सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बिलेटेड करवा चौथ। आई नो क्योंकि ये व्लॉग जो है ये नेक्स्ट डे आएगा करवा चौथ की, तो आप लोग जब ये देख रहे होंगे तो करवा चौथ और अपना चांद दोनों आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो ये व्लॉग जो है एक दिन पहले से स्टार्ट करते हैं, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प सा व्लॉग होने वाला है, टू द पॉइंट वाला व्लॉग। तो यहाँ पे मॉर्निंग रूटीन सेम स्टार्ट किया विद थायराइड, गर्म पानी एंड माई फेवरेट चाय। तो तीनों चीज़ें मैंने जो है वो कम्प्लीट कर लिया, अपना माइलस्टोन। देन फॉर लंच रोटी बनी थी, सब्जी में बनी थी दाल एंड फेवरेट हलवा बना था, और आप साइड में घी देख सकते हो। मतलब मुझे लगता है हर मम्मी को ये लगता होगा कि उसका बच्चा चाहे कितना भी दूध घी दही खा ले, लेकिन वो कम ही खा रहा है, वो एक्स्ट्रा ज़रूर खिलाएंगी, उन्हें कभी सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं सकता। एंड फाइनली शाम को गई थी मैं मेहंदी लगवाने के लिए, और वहाँ से मैं लेकर आई गर्मा गर्म समोसे। एंड समोसा जो है वो ज़रूरी होता है हर चीज़ से ज़्यादा, तो यहाँ पे मैंने ग्लव्स पहना, अपना टैलेंट दिखाया, जो हेयर कलर के साथ ग्लव्स आते हैं, एक न्यू पेयर रखा हुआ था तो एक हाथ में मैंने वो पहना। एंड देन आई हैड माई समोसा एंड इट वॉज सो यम, सो डिलीशियस, मज़ा आ गया खा के यार। मतलब एक तो वैसे ही थकान हो रही थी मेहंदी लगवाते लगवाते, और उसके बाद गर्मा गर्म समोसा और चाय, जन्नत तृप्ति, मतलब सुकून आत्मा को जिसे कहते हैं ना, हर चीज़ वो मिल रही थी यहाँ पे। एंड देन फाइनली अब थी मम्मी की टर्न, तो मम्मी को मेहंदी लगाई मैंने। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ यहाँ पे अपना टैलेंट में, आराम से मैंने मम्मी को लिटाया। एंड देन फिर फाइनली उनको पूरे हाथ पे मेहंदी मैंने लगाई थी, बहुत तो टाइम बाद, मतलब साल में एक या दो बार ही मैं अपना टैलेंट दिखाती हूँ यहाँ पे, कूट कूट के जो मेरे अंदर भरा हुआ है। और इतनी भीड़ थी ना जब हम लोग मेहंदी लगवाने के लिए गए, इतनी 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 ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोगों को यही बेटर ऑप्शन लगा कि यार इससे अच्छा अपना आराम से घर पे बैठ के मेहंदी लगाओ। एंड टैलेंटेड तो मैं हूँ ही बचपन से कि भाई मेरे अंदर हर टैलेंट है, एक दो चीज़ों को छोड़ के। ड्राइविंग नहीं आती मुझे और सिलाई वगैरह नहीं आती, बाकी सारे काम मैं कर लेती हूँ। एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक, बताना कैसी लग रही है। मतलब आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यार मैंने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई, साल में एक या दो बार ही कीप उठाते हैं मेहंदी की, एंड स्टिल आई मैनेज्ड कि मैं बहुत अच्छे से क्लीन वाली जो है वो मेहंदी लगा पाऊँ। एंड माई मॉम वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। एंड फाइनली रात के ऑलमोस्ट 11:30 बजे हमने जो है डिनर किया, जिसमें बनी थी कद्दू की सब्जी, रोटी एंड थोड़ा सा लेफ्ट ओवर हलवा था। एंड अब नेक्स्ट डे हो चुका है, चाय पीने के लिए हम लोग जो है 3:30 उठे, जिसे कहते हैं ना सर्गी खाने के लिए, और बहुत गंदे वाली हालत हो रखी थी थकान की वजह से। थोड़ा सा वाइट वॉश का काम भी चल रहा है घर पे, तो पहले चाय रख देते हैं एंड देन आई विल शो यू कि बाहर का इतना ज़्यादा अंधेरा है, बहुत 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 ज़्यादा अंधेरा था, पूरा एकदम ऐसे काला काला हो रखा था, और मैं बाहर बालकनी में आपको अपनी आंखें चमकाते हुए दिखाई दे रही होंगी, और मेरे दांत भी चमक रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैंने और मम्मी ने बैठ के पी चाय, एंड देन फाइनली मैं सो गई थी। सुबह उठ के ऑब्वियसली कुछ खाया पिया नहीं, तो अब मैं जा रही हूँ चीकू को स्कूल से लेने के लिए। एंड दैट्स माई चीकू, वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कहाँ पे हाय हाय, ये वाला, ये रहा मेरा छोटा। यार अपने बच्चे को ना स्कूल ड्रेस में देखने की अलग ही खुशी होती है। एंड देन फाइनली घर आने के बाद मैंने जो है चेंज किया और पूजा के लिए मैं रेडी हो गई। एंड दिस वाज़ द आउटफिट फॉर पूजा, जो था एक बहुत ही सिंपल सा सूट, बनारसी टाइप कपड़ा यू कैन से, हाँ आई थिंक उसे यही बोलते हैं। तो ये वाला मैंने जो कपड़ा का सूट जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर किया था फ्रॉम अमेज़ॉन, और ये मम्मी ये ड्रेस है, वी बोथ वर ट्विनिंग इन ग्रीन ग्रीन कलर, तो यहाँ पे मम्मी ने भी ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ है, लॉन्ग सूट है। दिस वॉज ऑल्सो फ्रॉम अमेज़ॉन, दोनों की ड्रेस हमने अमेज़ॉन से मंगवाई थी, ऑनलाइन ऑर्डर है। इफ़ यू वॉन्ट लिंक तो यू कैन फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और उसके बाद हमने करी पूजा की तैयारी शुरू। पूजा का मुहूर्त जो था वो 3 बजे के बाद था, तो ये जो टाइम है ये 3 बजे के बाद का चल रहा है, क्योंकि आई थिंक राहु काल कुछ लगा हुआ था, तो ड्यू टू दैट। और मैंने बहुत सिंपल सोबर सटल सी लुक रखी है, क्योंकि पति देव तो घर पर थे नहीं, तो मुझे अपने लिए रेडी होना था बेसिकली, तो मैंने बहुत सिंपल रखा। देन वी हैड अ फोटोशूट, मम्मी ने किया मेरा इंस्टाग्राम के लिए फोटोशूट। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, यू कैन गो एंड चेक माई अकाउंट, इट्स शीतल 12 तोमर करके है, यू कैन गो एंड फाइंड आउट, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। और मैं जा रही हूँ, मतलब वापस, मतलब मैं अपने घर आई हूँ दूसरा आउटफिट चेंज करने के लिए, और उसके बाद चांद को अर्घ देंगे, साड़ी पहनने वाली हूँ। सुबह मैंने बहुत सिंपल सा लुक रखा था, मतलब ना कोई बीबी क्रीम ना कोई सीसी क्रीम, कुछ नहीं, सिर्फ लिपस्टिक लगाई थी, काजल वाजल कुछ नहीं, क्योंकि पूजा करनी थी, तो मैंने सोचा एक बार अच्छे से शाम को ही तैयार होंगे। तो अभी मैंने पहना था वो था ये बनारसी वाला सूट, आपने जो लुक है वो तो देख ही लिया होगा। अब मैं पहनने वाली हूँ साड़ी, एंड लेट मी शो यू माई साड़ी। तो ये है मेरी साड़ी, बहुत सिंपल सी है, बहुत सुंदर सी। और मेरे साथ ना भी एक ट्रेजेडी हो गई, मैंने फाउंडेशन लगाना ना बिल्कुल छोड़ा हुआ है,
मैं सिर्फ जो है अपनी बीबी क्रीम लगाती हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने ऐसे डब 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 करके इतना सा फाउंडेशन निकाला है। इसी से काम चलाता है, पूरा मेकअप इसी से होने वाला है। एंड देन फाइनली मैंने किया अपना मेकअप कम्प्लीट। आई गॉट रेडी इन ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट्स, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लिया मैंने। एंड आई वॉज कन्फ्यूज मैं कौन सी इयरिंग पहनूँ, कि ये साइड वाले गोल्डन पहनूँ या गोल्डन एंड ग्रीन पहनूँ। गोल्डन एंड ग्रीन वर अ बिट हैवी, तो आई थॉट कि थोड़ा लाइट ही रखते हैं क्योंकि अभी चांद निकलने में टाइम था। एंड थैंकफुली मुझे मेरे बैक पेन वाला अटैक जो है वो फिर से शुरू हो चुका था। एंड लास्ट में कंप्लीट किया अपनी लुक को एक परफ्यूम के साथ, बहुत ही रोमांटिक टाइप परफ्यूम है ये, बहुत ही इसकी फ्रेग्रेंस ना इट्स अमेजिंग, माय ऑल टाइम फेवरेट है और मैं बहुत स्पेशल ओकेजन्स पर ही इसे यूज़ करती हूँ। एंड देन चांद का वेट करते करते सारा फोटोशूट कंप्लीट कर लिया था मैंने भी, विकी ने भी, दोनों ने। एंड आई वॉज सो टायर्ड, आई वॉज हेल टायर्ड और ऊपर से मेरा बैक पेन, तो फाइनली आई रिमूव्ड माई इयररिंग्स एंड जितना कंफर्टेबल हो सकता है मैं उतना कंफर्टेबल हो गई। आई कैप्ट माई आउटफिट सेम, आउटफिट मैंने नहीं चेंज किया बट मैंने हेयर को अनडू कर दिया था। एंड देन फाइनली चांद जो है वो निकल गए थे एंड दिस इज़ हाउ आई ओपन माई फास्ट। एंड यहाँ पे हो रही है थोड़ी सी मस्ती पागलपन थी और उसके बाद वी हैड एन अमेजिंग डिनर, लेकिन उससे पहले प्यास लगी थी तो मैंने बहुत सारा पानी पिया। और डिनर में बनी थी आज पालक पनीर की सब्जी, खीरे की सैलड, बहुत सारी मिर्ची फॉर मिस्टर हस्बैंड। एंड देट वॉज इट फॉर द व्ल�ग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट व्लॉग।